subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड लाइक क्रूड ऑयल एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल बंद हुआ है लगभग 8315 पे, लगभग 120 रुपए के गेन के साथ 1.45% ऊपर। यहाँ अगर मंथली चार्ट पे देखोगे आप तो यहाँ क्लियरली टॉप बन चुका है और क्लियरली करेक्टिव पैटर्न दिख रहा है हमें। लास्ट मंथ हमने लगभग 7% का ड्रॉप देखा था क्रूड ऑयल में, लगभग 650 रुपये नीचे बंद हुआ था। इस महीने हमने शुरुआत नेगेटिव से शुरू की है, लगभग 1 टका नीचे ट्रेड कर रहे हैं और ये शायद आगे चल के आपको डीपर होता दिखेगा। नीचे जो है तो 7000 और उसके बाद में 6300 की टारगेट क्रूड ऑयल लॉन्ग टर्म करेक्शन में दिखा सकता है। ऊपर की तरफ जो है तो इस कैंडल का हाई 8700 एज अ रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये 8700 के नीचे ट्रेड कर रहा है आपको जो है तो क्रूड ऑयल पे बेरिश रहना है। टारगेट रहेंगे 7000 और 6300 के। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो करेक्शन देखा, यहाँ जो है तो आखिरी पे सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक दिखाया जो रिजेक्ट हो चुका है और यहाँ जो है तो क्रूड ऑयल नीचे जाने के लिए तैयार है। इस हफ्ते हमने 20 वीक का जो एवरेज था उसको टेस्ट किया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम जो है तो 50 वीक का जो एवरेज है जो सिचुएटेड है अराउंड 7000 के और उसके नीचे जो है तो आपको जो है तो 100 वीक का एवरेज दिखेगा जो है लगभग 6000 के अराउंड। तो यहाँ से करेक्टिव टारगेट आते हैं 7000 और 6000 के क्रूड ऑयल के लिए। और ये यहाँ जो है तो इस हफ्ते हमने लगभग 3.5% का लॉस देखा है क्रूड में, लगभग 300 रुपये नीचे। तो यहाँ क्लियर कट सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। आपको जो है तो हाई की तरफ बेचना है तो इस कैंडल का हाई था 8750, तो उसके अराउंड अगर मिलता है क्रूड ऑयल तो आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ बेचना है। आपका मीडियम टर्म टारगेट रहेगा 7000, उसके बाद में 6300। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो हम पीओट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है क्रूड ऑयल, मगर मुझे लगता है कि ये जो बाउंस बैक है ये रिजेक्ट होगा 8500 और 8660 के अराउंड। तो इसके बीच में जो है तो जब क्रूड ऑयल आएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो है तो फिर से आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। अभी बाउंस बैक मोड में है तो ये बाउंस बैक जा सकता है लगभग 8660 से लेकर जो कैंडल का हाई था 8700। तो आपको 8600 और 8700 के बीच में अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो बेच कर चलना है या मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। नीचे जो है तो आपको 7000 और उसके बाद में जो है तो 6000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी हम जो है तो इस महीने के 8000 और 7600 के टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अभी यहाँ जो है तो बाउंस बैक मोड है, मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक भी सस्टेन नहीं होगा। आपको 8600 और 700 के बीच में जो है तो वहाँ से फिर से बिकवाली आती हुई दिखेगी और आपको फिर से जो है तो निचले 8000, 7600 और 7000 के टारगेट जो है तो क्रूड में देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ जो है तो स्टॉप लॉस एंडिंग चालू है। इस कैंडल का जो हाई था वो शायद ब्रिज करने की कोशिश करेगा क्रूड ऑयल और उसके बाद में जो है तो फिर से जो प्राइमरी ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। तो 8700 के अराउंड जो है तो एक परफेक्ट शॉट बनता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 8990 के ऊपर। तो 250 से 300 रुपये की रिस्क है, मगर नीचे जो है तो 1000 से लेकर आपको 2000 रुपीज़ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में इन शॉर्ट टर्म। फिलहाल बाउंस बैक है और ये बाउंस बैक शायद अगले वीक आपको 8600 8700 के टारगेट दिखा सकता है। उन लेवल पे अगर आपको वीकनेस दिखती है तो आप जो तो शॉर्ट कर सकते हो क्रूड ऑयल को। आपको फिर से नीचे की तरफ 8000 7600 7000 के टारगेट क्रूड ऑयल में देखने को मिलेंगे। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शोर शॉर्ट कम्युनिटी कॉल चाहिए विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।